जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो एक बैठक होने वाली है 26 जुलाई को उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही अगर आपका पीजी जो आपके कोर्सेज हैं उनमें किन किन कोर्सेज के जो है वो प्रवेश परिणाम आगे तक बढ़ा दिए गए हैं इस अपडेट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और आपको जो है एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, फीस कैसे सबमिट होगी, अलॉटमेंट लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। ये तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले अगर अभी तक आप जो है राजर्षि क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी से बड़ी अपडेट आप तक सबसे ऑथेंटिक तरीके से पहुँचाने का काम हम करते हैं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जुलाई को PGAT की बैठक होने वाली है जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए है। देखिए, इसमें जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि हमारा जो है वो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको बता दिया था कि काउंसलिंग जो है आपकी वो 27 जुलाई से स्टार्ट होगी। जी हाँ, 27 जुलाई से आपकी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस केस में जो लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसमें 26 तारीख को एक बैठक होने वाली है जो कि जितने भी आपके HOD हैं, जो डिपार्टमेंट्स के विभागाध्यक्ष होते हैं, इसके साथ जो निर्देशक हैं, इसके साथ ही सेंटर कोऑर्डिनेटर जिन्होंने इस पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा था उसको संपन्न कराया, उसके संचालन में हेल्प किया है, तो यहाँ पर ये सभी लोग मिलेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो है ऑनलाइन एडमिशन ट्रेनिंग के बारे में बात किया जाएगा, कैसे पोर्टल आपका बनेगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ पर मीटिंग करने के पीछे बात यह है क्योंकि अभी तकरीबन 90-95% ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं जारी किया है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। ये चीज़ तो तय है कि आपका रिजल्ट नहीं आना वो आपकी गलती से नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट किया जाएगा कि भाई आप इसकी जगह कुछ एफिडेविट टाइप लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा होगा। इसके साथ ही जो कट ऑफ आएगी, तो कट ऑफ बार बार बताया गया है आपको कि कट ऑफ हमेशा मेन वेबसाइट पर पहले आएगा, उसको देखेंगे कैसे आएगा कब, तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेट चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, कि कट ऑफ को कैसे देखते हैं, अगर आपको देखना नहीं आएगा तो आप नहीं पता कर पाएंगे, तो हम तरीका भी बताएंगे। साथ में अगर आप देखना नहीं चाहते तो चैनल पर भी हम अपलोड करेंगे कि किस विषय का कितना कट ऑफ गया है। क्लियर है इतना? तो ये चीजें थी। इसके साथ अभी जो प्रेजेंट की बात है वो ये है कि अभी तक आपके पीजी के 56 कोर्सेज जो है, पीजी के जो 56 आपके पाठ्यक्रम हैं उनके प्रवेश परिणाम को आगे प्रेषित किया गया है। अब ये जो 56 आपके हैं इसमें आपका BEd, MEd, MBA, MCom, आपका रूरल डेवलपमेंट, LLM, LLB, MCom, ये सारी जो है इन्वॉल्व है। धीरे धीरे जो और भी कोर्सेज हैं उनके भी परिणाम को आगे जो है उसको भेज दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आपका देरी लग रहा है आप मान के चलिए कि ये आपके जुलाई लास्ट तक ये सारी प्रक्रिया जितना भी है ये सब खत्म हो जाएगा और आपका अगस्त से जो है एकदम प्रॉपर एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका दस्तावेज है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है प्लस जो आपकी फ़ीस है, डॉक्यूमेंट और फीस दोनों जो है ऑनलाइन ही जमा होगी। ठीक है, आपका जो दस्तावेज का सत्यापन होगा ना कि ये सही है कि नहीं है, ओरिजिनल जो है आपका वो आपका ऑनलाइन होगा। अब एक और बात आती है अलॉटमेंट लेटर की, तो आपने देखा होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अलॉटमेंट लेटर जो आपका होता है ये बेसिक ये चीज़ बताता है कि आपकी सीट पूरी तरह से सिक्योर हो चुकी है, मतलब आपने पेमेंट कर दिया, इसके आगे की प्रक्रिया है कि अब आप इस विश्वविद्यालय के क्या हैं, छात्र हैं या छात्रा हैं, और आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, जैसे ज्वाइनिंग जैसे कह सकते हैं आप, कि उसके बाद से आप जाकर कक्षाओं में जो है वो कक्षा जो है आप पूरी तरीके से अपने पढ़ाई को रेगुलर यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर है इतना? तो हम लोग 26 जुलाई की जैसे ही बैठक में जो भी अपडेट आएगा, जैसा भी बताया जाएगा कि थर्ड ईयर का रिजल्ट जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। इसके साथ 26 जुलाई में आपको कट ऑफ या तो उससे पहले या उसके बाद कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो अभी हमने ओपन किया है इस पर बता दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट और अपडेट आएगी आपको इसके साथ बता दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।